बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी एंड यूजेज एक्सरसाइज नंबर 7. दिस इज इन योर इंग्लिश ए वर्कशीट, इंग्लिश लिटरेचर वर्कशीट, पेज 78. हरी अप, मेंशन डेट एट द पेज. Form a noun with each word and use the nouns in a sentence. For example, gentle, gentleness. अब यहाँ आपने given words जो हैं उनके आपने nouns form करने हैं. First you have to write down nouns to these words. Rob. Rob mean क्या होता है? लूटना. रॉब रॉबरी. रॉब रॉबरी. आर ओ डबल बी ई आर वाई. देन कम्स मॉडर्न. मॉडर्न जदीद. और इससे नाउन क्या बनेगा? जिद्दत. मॉडर्निटी. एम ओ डी ई आर एन आई टी वाई. मॉडर्निटी. नो नॉलेज. नो जानना. और नो से नाउन क्या बनेगा? नॉलेज. देन कम्स स्ट्रेंज. स्ट्रेंज स्ट्रेंजनेस. स्ट्रेंजनेस एस टी आर ए एन जी ई एन ई डबल एस. स्ट्रेंजनेस. डिजर्व deservedness. Deserve deservedness. D E S E R V E D N E double S. Deservedness. Then comes great. Great say greatness. Great greatness. ग्रेट होता है बड़ा, अजीम. ग्रेटनेस अजमत. कॉन्कर फतह करना. और इससे नाउन क्या बनेगा? कॉन्क्वेस्ट फतह. सी ओ एन क्यू यू ई एस टी. कॉन्क्वेस्ट. सेफ सेफ्टी. सेफ सेफ्टी हिफाजत करना से हिफाजत. इनॉय परेशान करना. इनॉयंस परेशानी. इनॉयंस परेशानी. पे पेमेंट. शुड आई रिपीट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स? रॉब रॉबरी. रॉब होता है लूटना. रॉबरी लूटमार डाका. मॉडर्न मॉडर्निटी जदीद. मॉडर्निटी जिद्दत. नो जानना नॉलेज इल्म. स्ट्रेंज अजीब. स्ट्रेंजनेस अजीब होना. डिजर्व डिजर्वनेस. डिजर्व होता मुस्तहिक. डिजर्वनेस किसी का इन डिजर्व होना यानी डिजर्विंग होना. ग्रेट ग्रेटनेस. ग्रेट ग्रेटनेस. Conquer, conquest. Conquer, conquest. Safe, safety. Safe, safety. Annoy, annoyance. Pay, payment. अब मैंने आपके जो sentences हैं वो nouns के नहीं बल्कि आपको उन्हीं words के लिखवाए हैं. Nouns के थोड़े आपके लिए जरा मुश्किल हो जाते हैं इसलिए मैंने नाउंस के लिखवाए हैं क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए ज्यादा फेमिलियर हैं. रॉब. रॉब का नाउन क्या है? रॉबरी. ये इसी तरह जैसे आप क्लास में करते हैं इन द सेम वे यू हैव टू नोट देम इन योर वर्कशीट एंड देन नोट डाउन द सेंटेंस. द रॉबर्स रॉब्ड. डाकुओं ने रॉब किया लूटा. द रॉबर्स द रॉबर्स रॉब All the passengers in the bus and went away. डाकुओं ने
डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों को, बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को लूटा और चले गए। डाकुओं ने बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को लूटा एंड वेंट अवे और चले गए। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्न, मॉडर्निटी। वाटर पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। वाटर पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन, आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हमें बहुत सी सहूलतें मयसर हैं, वहां हमें साफ पानी, पीने का साफ पानी बहुत से इलाकों में मयसर नहीं है, और ये आज का एक मेजर प्रॉब्लम, एक क्रेव प्रॉब्लम बनता जा रहा है। देन कम्स नो, नो मीन जानना, नो नॉलेज। We use internet to know about the modern world. We use internet to know about the modern world. हम modern world के बारे में, जदीद दुनिया के बारे में जानने के लिए internet use करते हैं। Strange, strangeness. I want to know the reason of your strange behavior. I want to know the reason of your strange behavior. Beta, have you all noted these sentences in your worksheet? Okay, now the next word is deserve. Deserve, deservedness. The English team really deserved the victory. English team waqai डिजर्व करती थी विक्ट्री, फतह को। इंग्लिश टीम फतह को डिजर्व करती थी बिकॉज दे प्लेड वेरी वेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। वर्ल्ड कप देखा ही होगा आपने लास्ट, उसमें इंग्लिश टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एंड दे गॉट विक्ट्री, दे गॉट द वर्ल्ड कप। तो जाहिर है जो अच्छा खेलता है वही डिजर्व करता है जीत को, वही डिजर्व करता है विक्ट्री को। ग्रेट, The Great Wall of China is one of the seven wonders of the world. You might have heard about the Great Wall of China. दीवारे चाइना, वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा आपने, देखी भी होगी नेट पे या वैसे पिक देखी होगी। It is one of the seven wonders of the world. बहुत पुरानी बनी हुई है लेकिन still people visit चाइना टू सी दिस वॉल। कॉन्कर, फतह करना, कॉन्कर, फतह करना। कॉन्क्वेस्ट, इसका नाउन क्या है? कॉन्क्वेस्ट, फतह। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर किसका नाम है? सिकंदर। द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अजीम सिकंदर ने, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट मीन उसको हम सिकंदर आजम कहते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिकॉज उसने तकरीबन 17 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज। Then comes safe, safety, safe, हिफाजत करना, safety, हिफाजत। We need to make sure that the children are safe and sound. Annoy, annoy, annoyance, annoy, परेशान करना, annoyance, परेशानी। My younger brother always annoys me. मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे परेशान करता है। When I study my books, जब मैं अपनी किताबें पढ़ती हूँ, जब मैं अपनी किताबें पढ़ रही होती हूँ या मैं अपना होमवर्क करती हूँ, When I do my homework, my younger brother always
स्मी, मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे परेशान करता है। यू मस्ट पे योर डेब्ट, पे पेमेंट, यू मस्ट पे योर डेब्ट बाय द 10th ऑफ दिस मंथ। यू मस्ट पे योर डेब्ट, आपको अपना कर्जा अदा कर देना चाहिए बाय द 10th ऑफ दिस मंथ। By the 10th of this month. Ji girls, students, you have noted all these sentences. अगर कुछ लोग क्लास में लेट एंटर हुए हैं वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। Okay. Now come to the next page. That is page number 80, different forms of verb. The invitation, fill in the blanks in each sentence with the correct form of the words given in bracket. अब इसमें आपने words की correct form लगानी है. You are given the words, but उनसे आपने correct word form करके correct nouns आपने यहाँ पे insert करने। The invitation, you are given the words in brackets, और उन्हीं words से जो words आपको brackets में given हैं, उनसे आपने form करने हैं nouns, ठीक है? The invitation to the party was a dash opportunity. The invitation to the party was a dash opportunity, golden opportunity. Golden opportunity for him to meet new people, but he turned it down. लेकिन उसने इसे मुस्तरद कर दिया। यानी इस उसको इस पार्टी में इनवाइट किया गया। It was a golden invitation, golden opportunity, सुनहरी मौका, golden chance, सुनहरी मौका था उसके लिए। यानी कि बड़ा suitable chance था, बहुत favorable chance था उसके लिए। लेकिन उसने उसको मिस कर दिया। बट ही टर्नड इट डाउन, लेकिन उसने इसे मिस कर दिया। आफ्टर द स्ट्राइक दोज हु वर नॉट टेकन बैक इनटू सर्विस, आफ्टर द स्ट्राइक, हड़ताल के बाद दोज हु वर नॉट टेकन बैक, जिन्हें वापस मुलाजमत नहीं दी गई, जिन्हें वापस मुलाजमत में नहीं लिया गया, क्लेम दैट दे वर, उनका कहना था, क्लेम उनका दावा था, उनका कहना था that they were being victimized, के उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। victim, शिकार, victimized, निशाना बनाया गया, शिकार किया गया, कि जो लोग स्ट्राइक में शामिल थे और उनको स्ट्राइक के बाद वापस सर्विस नहीं दी गई, वापस जॉब पे नहीं रखा गया, उनका कहना था कि उन लोगों को जानबूझकर इसकी सजा दी गई, इसका निशाना बनाया गया और उनको जॉब्स नहीं दी गई। When he victim से आपने लिखना है victimized, V-I-C-T-I-M-I-Z-E-D, victimized. Now come to the next one. When he heard the news, जब उसने खबर सुनी, he was momentarily speechless. Moment है आपको ब्रैकेट में वर्ड गिवन और उससे आपने लिखना है momentarily, momentarily एक लम्हे के लिए। He was momentarily speechless, एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल कुछ ना बोल सका, बोलने के काबिल नहीं रहा। Then he burst out in a torrent of words, और फिर वो मुसलसल बोलता गया। यानी एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल speechless हो गया, बिल्कुल कुछ ना बोलने के काबिल हो गया, कुछ ना बोल सका एक लम्हे के लिए अचानक। ये खबर सुन के वो इतना शॉक्ड हुआ कि एक लम्हे के लिए वो स्पीचलेस रहा, लेकिन फिर वो काफी बोला। The hijackers ने eventually
बिलाखिर रिलीज देयर हॉस्टेजेस, रिलीज कर दिया हाईजैकर्स ने, बिलाखिर छोड़ दिया देयर हॉस्टेजेस, यानी जिन लोगों को उन्होंने हाईजैक किया था, जिन्हें उन्होंने कैद किया हुआ था, हाईजैक किया था, हार्मलेस बगैर नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया. द हाईजैकर्स इवेंचुअली रिलीज देयर हॉस्टेजेस हार्मलेस, यानी वो हाईजैक जब किसी को करते हैं तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मार भी सकते हैं, कोई और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन लकीली उन्होंने बगैर कोई नुकसान पहुंचाए उनको छोड़ दिया. हार्म है, हार्म से आपने यहाँ हार्मलेस लिखना है. वन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशंस. अब यहाँ ग्लोब गिवन है, ग्लोब से ग्लोबल हो जाएगा, GLOBAL, ग्लोबल. ओके, नेक्स्ट देखिए. But he has just stated, जो उसने अभी कहा है, is questionable. Questionable यानी उस पर कई सवाल उठते हैं, उस पर कई सवाल किए जा सकते हैं. Is questionable. It doesn't fit the facts. ये facts के मुताबिक नहीं है, हकाइक के मुताबिक नहीं है, इसलिए इस पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं. The invaders were ambushed as they came over the mountain. Invade है word, यहाँ invade से invaders होगा. Invade, invaders. Next देखिए. Please give me a factual account of the incident, not what you think happened. अब यहाँ आपने fact से factual लिखना है. Fact से factual. FACTUAL, factual. यानी मुझे इस वाक्य का factual account दें, factual description, हकाइक पर मबनी बयान दें कि क्या हुआ था. Not what you think happened. ये नहीं कि जो आप सोचते हो आपके ख्याल में क्या हुआ, ये नहीं मुझे बताना, बल्कि मुझे facts के बारे में बताना है, factually, कि actually वहाँ हुआ क्या. The children had a most dreadful encounter with the man. They all feared. The children had a most dreadful encounter. Encounter means सामना होना. बच्चों का most dreadful, dreadful खौफनाक सामना हुआ with the man. They all feared. उस शख्स से जिससे वो बहुत डरते थे, यानी उससे उनका सामना हुआ और वो सब डर गए. Dreadful encounter. The young chieftain, chieftain means सरदार. The young chieftain was strong and fearless. Strong, मजबूत था, and fearless और निडर था, but he was also rash at times. लेकिन कई मौकों पर वो rash भी हो जाता था. Is it clear? Okay, now come to the next page. Page number 81. Fill in the blanks in each sentence with the correct form of the word given in brackets. He dash a room in his uncle's house. अब यहाँ पे क्या आएगा? इन तीनों ऑप्शन से आपने लिखना है. He occupies a room in his uncle's house. He occupies a room. Okay. A dog makes a good pet. A dog makes a good pet. She has such a pleasant voice that I enjoyed listening to her. She has such a pleasant voice that I enjoy listening to her. Look at D. Many accidents occurred yesterday, but none were fatal. But none were fatal. यानी ज्यादा मोहलिक नहीं, ज्यादा नुकसान दे नहीं थे, जिनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. The lions are devouring their prey. The lions are devouring their prey. We should not judge someone merely by his appearance. हमें किसी को उसकी appearance से जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में उसकी सिर्फ
अपीयरेंस से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, बिकॉज किसी की जो लुक्स हैं, जो वो नज़र आता है, वो उसकी जो शक्ल सूरत है, वो हमें उसका हुलिया वो हमें धोखा भी दे सकता है. कैन बी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव जो धोखा देने वाला. ही इज एन अथॉरिटी ऑन एनी थिंग लिंक्ड विथ पब्लिशिंग. ही इज अथॉरिटी ऑन एनी थिंग लिंक्ड विथ पब्लिशिंग. यहाँ मैं मिस भूल गई हूँ बेटा, फिल करना लिंक्ड विथ पब्लिशिंग. She pronounce her words vaguely. She pronounce, वो अपने words को pronounce करती है, बोलती है vaguely. Vague mean जो clear नहीं होते, यानी उसके words clearly नहीं बोले जाते, not clear. This is our dad's signature. This is a true signature. Not a forced one, यानी ये उसके true signature है, सही signature है, fake नहीं है. The principal praised the industrious students in the school. The principal praised the industrious students in the school. Now come the exercise to the exercise of spell check, page number 82. It is very warm in the sun. W-A-R-M, warm. I saw a bird catching a worm. W-O-R-M, worm. Okay? A word is made up of different letters. W-O-R-D. 250s are worth 100. Yani do 50s milake 100 banta hai. Sam got a reward for catching the thief. When I grow up, I want to travel around the world. Around the world. We work hard at school every day. We work hard at school every day. I put my clothes in my wardrobe. When was attacked by a swarm of angry bees. By a swarm of angry bees. My parents gave me a warning when I was naughty. Spell check 6. If you fall over, number one, look at number one, beta. If you fall over, you might injure yourself. Agar aap girte ho, to aap खुद को जख्मी कर सकते हो. समथिंग दैट इज कंप्लीटली क्लीन इज प्योर. इफ समथिंग इज सिक्योर इट इज सेफ. इफ समथिंग इज सिक्योर इट इज सेफ. अ फिगर कैन बी अ नंबर और अ शेप. अ फिगर कैन बी अ नंबर और अ शेप. वी हैड टू मेयर द रूम फॉर अ न्यू कारपेट. The picture in the art gallery was very expensive. The picture in the art gallery was very expensive. My mom tipped the cake mixture into a baking tin. My mom tipped the cake mixture into a baking tin. It is difficult to predict. Predict mean पेशीन गोई करना. It is difficult to predict, यानी कबल अस वक्त ये कहना मुश्किल है. What will happen in the future? कि future में क्या होगा. Our dog has a very gentle nature. Our dog has a very gentle nature. On holiday we had an exciting adventure. On holiday we had an exciting adventure. Okay, beta. Now your vocabulary and speech work for English A